सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, मेरे पास फानुक सीरीज की ओआई मॉडल है, एफ सीरीज का लेटेस्ट जो एमएफ चल रहा है प्लस में भी, उसकी सॉफ्ट कॉपी है दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी का मेरे पास एक कॉपी अवेलेबल है वीएमसी के लिए। तो दोस्तों वीएमसी के लिए कॉपी है ये, और जो भाई इसको लेना चाहते हैं वो छोटा सा छोटा क्या मतलब सारी की सारी कॉपी आपको मिल सकती है, और इसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट देना होगा मात्र। तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे दोस्तों, फानुक सीरीज की है दोस्तों, फानुक वीएमसी सीरीज की मशीन है, जिसमें कंटेंट्स दे रखे, पहले सेफ्टी का प्रिकॉशंस दे रखे हैं, सीरियल वाइज क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं सिस्टम के प्रति। फिर दोस्तों जनरल है, जनरल में फ्लो ऑपरेशन सीएनसी मशीन टूल से नोट ऑन रीडिंग दिस मैनुअल नोट ऑन वेरियस काइंड ऑफ डाटा। प्रोग्रामिंग में दोस्तों जो मैन प्रोग्रामिंग है वीएमसी की, उसमें टूल फिगर एंड टूल मोशन बाय प्रोग्राम दिखा रखा है। प्रोग्रामिंग में प्रिपरेटरी फंक्शन है जी कोड्स दोस्तों, जी कोड में भी कैटेगराइज कर रखा है, तीन नंबर में जैसे सिंगल डायरेक्शन पोजिशन GAT, थ्रेडिंग का G33, नैनो स्मूथिंग दे रखा है, और स्मार्ट टॉलरेंस कंट्रोल दे रखा है दोस्तों। तो ये टर्निंग का भी इसके अंदर, आजकल टर्निंग और बीएमसी का दोनों का कॉमन कर दिया दोस्तों ये। अब कोऑर्डिनेट वैल्यू एंड डायमेंशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है G15 G16, 5 नंबर में फंक्शन टू सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग कैन साइकिल G73 G74 G76 G73, हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग साइकिल दे रखी है G73 G74, लेफ्ट हैंड टैपिंग दे रखी है दोस्तों G76, फाइन बोरिंग साइकिल है, ड्रिलिंग साइकिल है G81, ड्रिलिंग साइकिल काउंटर बोरिंग साइकिल है G82, पैक ड्रिलिंग साइकिल है G83, स्मॉल होल पैक ड्रिलिंग है G83 का, और टैपिंग साइकिल है G84 जो नॉर्मल अपन यूज करते हैं। बोरिंग साइकिल में दोस्तों तीन चार साइकिल हैं, G85, G86, G87, G88, G89। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आप वहां से देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह समझा रखा है सारी चीजें। कैन साइकिल कैंसिल करने के लिए G80 यूज करते हैं, G80 यूज करके अपन सारी साइकिलों को G80 से अपन सारी साइकिलें कैंसिल कर सकते हैं। जब भी अपन सारी साइकिल चलाते हैं G73 से G89 तक, तो इसको कैंसिल करने के लिए G80 साइकिल को कैंसिल करने के लिए G80 कोड है। एग्जांपल दे रखे हैं दोस्तों, ये भी यहाँ पेज वाइज दे रखा सारा कंटेंट्स दो भी है। अब रिजिड टैपिंग है, इस तरह से रिजिड टैपिंग है, टैपिंग रिजिड टैपिंग G84, और इसमें M29 लगता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में समझा रखा पहले। लेफ्ट हैंड रीडिंग रिजिड टैपिंग G74 और पैक रिजिड टैपिंग G84 या 74 में आप साइकिल चला सकते हैं क्यू वैल्यू के साथ। इसी तरह से कैन साइकिल को कैंसिल करने के लिए G80 अपन काम में लेते हैं, और इस तरह से इसमें बहुत सारे कंटेंट्स है जो दोस्तों आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगी। ऑपरेशन चैफरिंग एंड कॉर्नर रेडियस, इंडेक्स टेबल है, इंडेक्स फंक्शंस हैं, फीड कंट्रोल है ग्राइंडिंग मशीनी के लिए। तो ये कॉमन बुक्स है CNC और VMC दोनों के लिए है दोस्तों।
सीएनसी के पास कुछ सीएनसी की जो अलग आती है टर्निंग की, वो थोड़ी सी डिफरेंट आती है, लेकिन इसमें आप वीएमसी का मैक्सिमम मेजर दे रखा है आपको। ये ग्राइंडिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, प्लंज ग्राइंडिंग G75 साइकिल है, डायरेक्ट कांस्टेंट डायरेक्शन प्लंज ग्राइंडिंग ये साइकिल दे रखी है। तो ये सारे के सारे ग्राइंडिंग के लिए दे रखे हैं, जो ग्राइंडिंग मशीन होती है उनके लिए। टिल्टेड वर्किंग प्लेन इंडेक्सिंग ये भी, और फिगर कॉपिंग कॉपी का भी दे रखा है अपन को ऑप्शन 72.1 72.2। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ 6 नंबर कंटेंट से कंपनसेशन फंक्शन 43, 44, 49 और 45 से लेके G45 से लेके G48 तक टूल ऑफसेट के कंटेंट्स दे रखे हैं। इस तरह से दोस्तों ओवरव्यू ऑफ कटर कंपनसेशन 40, 42 के फंक्शन समझा रखे हैं 148 पेज पे। ओवरव्यू ऑफ टूल नोट रेडियस कंपनसेशन G40-42 में, टूल नोज इमेजिनरी टूल नोज है। तो दोस्तों ये किताब बहुत काम की है और सॉफ्ट कॉपी है, आपके पास कभी गायब होगी ना, पेज की जरूरत पड़ती है ना किसी की। तो आप सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में रख सकते हैं या अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं हमेशा के लिए। और लेटेस्ट कॉपी है, मेमोरी ऑपरेशन यूजिंग 10-11 प्रोग्राम फॉर्मेट भी है, एक्सेस कंट्रोल फंक्शन मैनुअल ऑपरेशन सारे के सारे हैं इसके अंदर। जो भी आप मैनुअल ऑपरेशन करते हैं उसमें, एमडीआई में करते हैं, जॉग में करते हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशन सारे समझा रखे हैं पेज वाइज। ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, सेटिंग एंड डिस्प्ले डाटा है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारी बारीकी से समझा रखा है इसके अंदर। पैरामीटर, जो भी पैरामीटर आप यूज करते हो, पैरामीटर की पूरी लिस्ट आपको मिलेगी 339 पेज के ऊपर। पैरामीटर का डिस्क्रिप्शन और डाटा टाइप क्या क्या टाइप करना है आपको, वो भी सारी टेबल मिलेगी सेटिंग डाटा के साथ। लिस्ट ऑफ फंक्शंस है, इंक्लूड एड्रेस पी और प्रोग्राम कमांड्स। तो ये सारी की सारी बुक दोस्तों आपको अवेलेबल हो सकती है मात्र और मात्र 200 रुपये में। सॉफ्ट कॉपी है, बहुत अच्छी कॉपी है दोस्तों। तो 200 रुपये आपको करने पड़ेंगे, फोन पे कर दो या कैसे भी पेटीएम कर दो, तो आपको ये हाथों हाथ विद इन मिनट आपको भेज दी जाएगी। इस तरह से सारे जो भी कंटेंट्स आते हैं, प्रोग्राम रिलेटेड है, मशीन रिलेटेड है, मैनुअल प्रोग्रामिंग है, कुछ भी, वो सारे के सारे आपको यहाँ में मिल जाएंगे। अब जैसे जैसे जनरल फ्लो ऑफ ऑपरेशन ऑफ सीएनसी मशीन टूल्स दिखा रखा है, इसमें सारे के पार्ट ड्राइंग है, पार्ट प्रोग्राम है, एनसी है, मशीन टूल है। तो फ्लो जैसे अपन करते हैं प्रोसेस को, सारी चीज़ समझा रखी है। और इसके अंदर सावधानियां भी दे रखी हैं। ये देखो दोस्तों प्रोग्रामिंग की पूरी हिस्ट्री आई है अभी सारी की सारी। इस तरह से आपको टूल ऑफसेट लेना है, किस तरह से आपको मॉनिटरिंग करनी है ऑफसेट की, वो सारी चीज़ें समझा रखी है। जी कोड के बारे में पूरा समझा रखा है, G0, G01, और ये पूरे जी कोड्स की लिस्ट है दोस्तों इसके अंदर। कहीं भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मैनुअल में आपको सारा कुछ एक जगह ही मिल जाएगा। तो सॉफ्ट कॉपी है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी बहुत काम की रहती है, सारे फंक्शन दे रखे हैं, जी कोड जितने भी डिजाइन है फानुक के सारे इसमें समझा रखा है, जी कोड से। अब इसने देखो G90 से भी लेके आगे 100 से ऊपर भी ले रहा है। सिलेंड्रिकल ऑपरेशन इन फीड कंट्रोल कैंसल इन फीड कंट्रोल, ये भी ऑपरेशन दे रखे हैं। इंटरपोलेशन फंक्शन दोस्तों ये समझा रखा है पूरा। इंटरपोलेशन G60 सिंगल डायरेक्शन पोजीशन है G60, और G33 थ्रेडिंग है, और नैनो स्मूथिंग है, स्मार्ट टॉलरेंस कंट्रोल है, ये सारे के सारे इंटरपोलेशन फंक्शन है।
सिंगल डायरेक्शन पोजीशन G60। अब आप अगर आप यूज करते हैं तो आपको किताब के माध्यम से पता लग जाएगा कि आपका G60 फंक्शन क्या काम करेगा। इसी तरह से दोस्तों थ्रेडिंग का दे रखा है, थ्रेडिंग का G33 IPXY का है और फीड है, तो आपको ये थ्रेडिंग का मिल जाएगा। G33 है तो BMC पर आप G33 की सहायता से चूड़ी भी काट सकते हैं, वर्टिकल पार्ट है तो उसके अंदर ये भी एक फंक्शन है, इंटरपोलेशन फंक्शन बोलते हैं इसको G33 को, जो अपन BMC में काम में लेते हैं। नैनो स्मूथिंग फंक्शन है G5.1, एक कोड होता है जिसके अंदर नैनो स्मूथिंग साइकिल चलती है, जिससे अपने फिनिशिंग में काम आता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे देखो आप, ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है पूरा कर्वेचर। कर्वेचर के हिसाब से अपन को जब प्रोग्राम बनाना होता है G5.1 में, तो अपन इस तरह से पाथ बनता है, वो पाथ आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इस बुक को अच्छे से रीड करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ G15 G16 दोनों ही यूज करके आप उसमें ले सकते हो पोलर कोऑर्डिनेट में, और पोलर कोऑर्डिनेट में आते आपको XY की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा रखी है दोस्तों, समझा रखी है, लेटेस्ट बुक है ये, और लेटेस्ट बुक में आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। तो आप इस सॉफ्ट कॉपी को मैं तो ये कहता हूँ अवश्य परचेज करना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए, ताकि आपके कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इंग्लिश में है, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो तो इंग्लिश में आप इजीली आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, और इसमें एग्जाम्पल पूरे समझा रखे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ प्रोग्रामिंग चला रखिए, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी इसमें यूज करने में। सारे के सारे फंक्शन इस कॉपी में हैं, और लगभग लगभग 100 पेज की मशीन बुक है, 100 पेज के बुक में आपको सब चीज़ मिलेगा। सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग कर रखी है हर चीज़ को लेके, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बुक को डेवलप किया गया है, और आप आसानी से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इस बुक को परचेज करेंगे और अपना फ़ायदा उठाएंगे लाइफ में। तो आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।